इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ क्या करूँ? जा डूब मर। मैं क्यों डूब मरूँ? चल क्या रहा यार, हम अपना ब्लॉग का वीडियो शूट कर रहे हैं, फिर पंखा बंद कर देंगे। क्या हो क्या रहा, कितना सुंदर है, मेकअप करोगे तो सुंदर नहीं दिखो, बंदरिया के बंदरिया ही रहोगे। भाई घर है कि स्टूडियो है, जब मन तब कैमरा लेके ब्लॉग बनाना और मेकअप करना चालू हो जाता है। मैं अपने ब्लॉग के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं कुछ नहीं जानता, सब बंद करो अभी। कर रही मैं अच्छी लग रही हूँ? बंदरिया मोटी भैंस, कितना मेकअप करोगे तो अच्छी नहीं दिखोगे। तो मेकअप करने से मोटी भैंस का क्या मतलब? जो लोग मोटे रहते हैं वो मेकअप नहीं करते है? तुम अच्छी नहीं लगती बंदरिया। आपको नहीं अच्छी लगती हूँ ना, बहुत लोग को अच्छी लगती हूँ। बंद करो। क्या बंद करो? मेकअप करना है आपको, कुछ बात करना है आपको? क्या प्रॉब्लम है भाई, आपको कुछ बात करना है? देखिए मैं अपना चैनल का वीडियो शूट कर रही हूँ, तो आप बीच में मत बोला कीजिए। तुम बीच में मत पड़ा करो, एक काम करो, अपना जितना ताम झाम में सब छत पे जो एस्बेस्टर वाला रूम है वहाँ लेके चले जाओ, और अपना नया कपड़ा छोड़ देना, जितना पुराना कपड़ा है वो सब लेके चले जाना वहाँ। मैं क्यों जाऊँ? मेरा रूम आज से खाली कर दो। ये आपका रूम नहीं है, मेरा। ये मेरा रूम है, तुम्हारा रूम नहीं है। जब से बना मेरे हिसाब से बना, मैंने इसको अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट करवाया था, अपने हिसाब से सारा एडजस्टमेंट किया है। तो उससे मेरे को क्या मतलब? उससे मेरे को मतलब है ना, तुमको नहीं है तो, तुमको मतलब नहीं है तो तुम जाओ यहाँ से। देखिए एलोवेरा जेल है, ये लगा। तो हम क्या करें, एलोवेरा जेल है, आलू का जेल हो चाहे एलोवेरा का जेल हो, हमको कोई मतलब नहीं है। आलू का जेल नहीं, एलोवेरा जेल लगाइएगा ना। हम नहीं जानते कुछ, हम तुमको जो बोल रहे हो सुना करो। देखिए ये लगाइएगा तो गोरे हो जाएंगे। हम ऐसे ही गोरे, ठीक है, हम जैसे वैसे ठीक है। अब तुम कितना लगा लोगे तो तुम भैंस की भैंस ही रहोगे। तो क्या भैंस जो रहता है वो मेकअप नहीं करता? नहीं करता है। क्या करता है? मेकअप का सामान सब यहीं छोड़ देना, पुराना कपड़ा उपड़ा लेके छत पे जाना, सोना वही रहना। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं आज? क्या क्या, मेरा दूसरा शादी हम कर लिए, मेरी बीवी आ रही है, हम उसके साथ ही आ रहेंगे, तुम वहाँ ऊपर रहना। पागल हो गए क्या? सीरियसली बोल रहे, पागल क्या हो जाएंगे? पगलाई रहेगा भैंस के जैसे, पागल लड़के के साथ क्या रहेगा? देखिए फालतू की बातें मत कीजिए। फालतू की बात नहीं कर रहा, सीरियस बात कर रहे हैं। अपना पुराना कपड़ा उठा और चल जाओ वहाँ ऊपर, नया कपड़ा दे देना, उसका फिटिंग करा देंगे। ऊपर नहीं, फालतू की बातें नहीं, फालतू की नहीं, सीरियस बातें बोल रहे। क्या सीरियस? दम सीरियस होके बोल रहा है कि तुम एस्बेस्टर वाला रूम में जाओ और अपना पुराना कपड़ा उपड़ा सामान वाल लेके जाओ, नया कपड़ा मेकअप का सामान छोड़ देना, मेरी नई बीवी मेरे साथ रहेगी तो उसको उसका जरूरत पड़ेगा उसको दे देंगे। कौन आ रहा है? मेरी वाइफ, हम शादी कर लिए। आपकी वाइफ तो हम है? तुम थी छुड़ा रखेंगे। अभी अभी नहीं है? नहीं। कैसे नहीं है? दूसरा शादी कर लिया हम। आपकी इतनी हिम्मत? हाँ मेरी इतनी हिम्मत, कौन रहेगा तुम्हारे साथ, पागल लड़की के साथ, लड़ाकू नंबर वन। तो फिर हमसे चाय पानी क्यों मांगते हैं? तो तुमसे कौन मांगेगा, तुम जाओ वहाँ ऊपर रहना, वीडियो बनाना, अपना काम में व्यस्त रहना, हम अपनी नई बीवी से मांग लेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो उसका मदद भी तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो तुमको पीटेंगे भी। अपना मुंह देखे हैं? हम अपना मुंह देखे हैं, तुम अपना मुंह देखो भैंस में तो। आप अपना देखिए ना पहले। हम अपना देखे हैं भैंस में तो, परेशान खड़ी करते रहते हो, कुछ भी काम कर रहे हो तो मना सब चीज में मना, ढंग से कोई काम करने भी नहीं आता है। आपको आती है? हाँ हमको आती है। फालतू की बकवास बंद कीजिए। नाम कोई बकवास नहीं, चलिए आप जाइए अपना सामान वामान शिफ्ट कीजिए, अभी आधे घंटे में आ रही है। मैं कहाँ शिफ्ट करूँगी? ऊपर एस्बेस्टर वाला रूम में, छत पे। ऊपर रूम है क्या? हाँ वही स्टोर रूम जो है उसी पे। शेड वाला में कौन रहेगा? गर्मी कितना किया है? गर्मी करे चाहे पसीना करे, वहाँ खुला खुला ना हवा आएगा, वही रहना। तो आप चले जाइए, दिन में अगर दिक्कत होगा तो आंगन वाला रूम में आ जाना। तो आप चले जाइए। हाँ मेरा रूम है, ये मेरा घर है, हम रहेंगे, तुम जाओ, नौटंकी मत दिखाओ मेरे को। मेरा तेरा कुछ नहीं सब मेरा है, नौटंकी मत दिखाओ, जाओ छत्ता वाला रूम का। मेरा तेरा कुछ नहीं, अब हमारा है। नहीं है तुम्हारा कुछ भी है? जो भी है वो हम दोनों का है। कुछ नहीं तुम्हारा, सब मेरा है। बोल रहे तो समझ में नहीं आ रहा एक बार में, लाते खाओगे क्या? क्या समझ में नहीं आ रहा? जाओ ऊपर शिफ्ट करो, एस्बेस्टर वाला रूम खाली करो मेरा रूम। मैं क्यों खाली करूं? करना पड़ेगा। मैं क्यों खाली करूं? हम बोल रहे ना, समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, किस लिए? मेरी नई बीवी आ रही है, तुम जाओ छत वाले रूम में जाओ। नई बीवी कहाँ से आ रही?
शादी कर ली आज, मैं दुबई में गया था शादी करके आ रहा हूँ। कौन मैरिज कोरोना में कौन शादी ऐसे करेगा, तुम्हारे साथ तो ऐसा शादी हुआ है, उसके साथ लीगली कोर्ट मैरिज की है। हिंदू धर्म में दूसरी शादी ऐसा नहीं हो जाती। तो कोर्ट मैरिज की है, उसी का लीगल है, तुम्हारा इलीगल हो गया। मेरा कैसे इलीगल हो गया? क्योंकि उसके साथ कोर्ट मैरिज की, तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज की। मेरे साथ जो शादी की है तो समाज के सामने की। हाँ, तो उसका कोई रजिस्ट्रेशन है? वीडियो बहुत है। तो वीडियो को नहीं एविडेंस माना जाता है? माना जाता है। नहीं माना जाता, इंडियन कोर्ट में वीडियो का एविडेंस नहीं माना जाता। चलो जाओ, तो पेपर दिखाइए पहले। पेपर तुमको क्या दिखाएंगे, तुम फाड़ फिर हम अपना सेफ से रखें। चलो छत, तो मैं क्यों मानूं? तुम जाओ छत वाले रूम पे, बोले ना दिमाग मत खराब करो। मैं क्यों मानूं फिर? फालतू का लड़ाई झगड़ा मारपीट हो जाएगा, उससे अच्छा है कि तुम जाओ। मैं आपकी लीगल वाइफ हूँ। तुम मेरी इलीगल वाइफ हो, भागी ऐसे? मैं क्यों जाऊं? भागेगी नहीं भागेगी? मैं क्यों जाऊं? पीट देंगे आप क्या पीटेंगे? पीटेंगे, जाओ यहाँ से, जाओ 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 जाओ। तोड़ देंगे। बोले ना जाओ। मैं क्यों जाऊँ? बोले ना जाओ। पागल हो गए क्या? हाँ चलो जाओ, निकलो। मैं क्यों निकलो? पिटाओ क्या, पिटाओ क्या, पिटाओ क्या, गर्दन दर्द कर रहा है। तो निकलने बोल रहा, निकलो ना। मैं क्यों निकलो? तो निकलने बोल रहा, निकलो ना। क्या कर रही हो, दिमाग का खराब कर रही हो, निकलो। मैं ज्यादा नौटंकी कर रहा, बोलो क्या। आज फिर बुलाती आएंगे तो आप दूसरे शादी किए हैं, तो एक घर में दो दो बीवियां कैसे रह सकती हैं? हाँ, इसलिए तो तुमको निकाल रहा है। तो आप उसको लेके बाहर रहिए फिर। हाँ, उसको लेके यहीं रहेंगे, तुमको बाहर निकालेंगे। मैं क्यों निकलूं भाई? निकलो, मेरे घर से निकलो, मैं नहीं जानता कुछ, मेरा खोपड़ी मत खाओ। अभी के अभी निकलो। देखिए फालतू गिरी नहीं, फालतू गिरी कुछ नहीं, डन 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 डन, निकलो। तो आपको क्या लगता है कि वो भी इसी घर में रहेगी और हम मैं भी इसी घर में? हाँ, अगर ऊपर जाओ, ऊपर रूम में रहो। और आप? हम यहाँ रहेंगे बीवी के साथ। हम ही तो है आपकी बीवी। नहीं हो तुम, बस चल रूम में जाओ। मैं क्यों जाऊँ भाई? जाना पड़ेगा तुमको। देखिए हमको इरिटेट मत कीजिए। हम इरिटेट कर रहे, जाओ। एक तो हम ना ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ऊपर से आके माथा। हाँ मेरा दिमाग खराब है, जाओ। क्या दिमाग खराब, कहना क्या चाहते? जाओ जाओ, सब बात कीजिए। हमको तुमसे अलग होना है, इसलिए तुमको हम दूसरा शादी कर लिए, तुमको भगा रहे। होना है अलग है। हाँ अलग होना है। हाँ कौन देगा भैंस के साथ? दिमाग नाम का चीज नहीं, बुद्धि से पैदल। हटिए पहले, हमको हम जा रहे हैं, हटिए। कहाँ जा रही हो? जा रहे भगा रहे ना तुम। जाओ जाओ, मर कह रही हो, मर कह रही हो। क्या कह रहे हैं, दूसरी शादी करेंगे? दूसरी शादी कर ली है? इतना हिम्मत है? हाँ इतना हिम्मत है, इतना हिम्मत है, इतना हिम्मत है, इतना हिम्मत है। जाओ, हो गया ना हमारा पेटी, जाओ छत्ता दर्द में। मैं चल जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। आप जाइए, हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ। हम बीवी के साथ यहाँ रहेंगे, तुम क्या करोगे? मैं ही तो हूँ आपकी बीवी। नहीं हो तुम, भैंस नहीं तुम। मेरा वीडियो खराब करते हैं, दूसरी शादी किया। तो हम क्या कह रहे? उंगली कट गया। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कट गया। झूठे मुंह देखे हम ना? देखे आ यहाँ। क्यों? काम है। आओ, मुंह नहीं देखे हैं? आओ। हम तो पागल थे जो आपसे शादी कर लिए। हम बहुत बड़े पागल थे कि तुमसे ब्याह कर लिए मोटी भैंस ने, तो पता नहीं क्या देख लिए थे तुम। दूसरा शादी की बात करें, कौन हमसे दूसरा शादी कर चुके हैं? कौन रहेगा तुम्हारे साथ? बैठो यहाँ, बैठो बैठो बैठो। अरे हम दूसरा शादी नहीं किए, तुम्हारे साथ ट्राई कर रहे थे। तो दूसरा शादी, चौथा शादी, पांच पचवा शादी, क्या करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैं क्यों आओ तो सही, मेकअप कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि लीजिए। ठीक है, ऐसे ही बैठो। तो गाइस, ये लड़की मेरे पे ध्यान नहीं दे रही थी, तब सबने ब्लॉग बनाने बिजी थी, तो मैं इसका ब्लॉग बिगाड़ दिया, अपना वीडियो बना लिया इसी के ब्लॉग में, इसके साथ प्रैंक करके। मेरी वाइफ का चैनल है रवीना ब्लॉग, ये ब्लॉग बनाती है, अच्छा अच्छा ब्लॉग बनाती है,
आप लोग इसके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इनके वीडियोस को भी देखिए, आप लोग को बहुत मजा आएगा। हाँ, और ये मेरा वीडियो बिगाड़ेंगे। आज हम इसका वीडियो बिगाड़ करके अपना प्रैंक बना लिया, मुझे बहुत मजा आया। चलिए फिर गाइस, मिलते हैं नए प्रैंक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसको परेशान करने में मुझे बहुत मजा आता है। अगला वीडियो इनका बना फिर मैं बताती हूँ। बेचारी को बहुत फसा रहा हूँ आजकल। जय हिंद जय भारत।